take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break. और अभी हम लोग एयरपोर्ट तो पहुंच गए. मेरा जो भी लगेज था वो मैंने दे दिया, हैंड बैगेज है. अभी 3:30 बज रहा है तो मैं अभी कॉफ़ी पी रही हूँ क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है. लगेज लेके बहुत प्रॉब्लम है. ये बिल्ली को देख लो, अच्छा लगे. फ्लाइट है 4:30 बजे है, अभी टाइम है तो इन्जॉय कर लो आप लोग टाइम लेस. पक्की वाला बहुत अच्छा है क्योंकि वो उसको बहुत पसंद है. तो अभी बज रहे हैं 5:45 बज रहा है और लैंड होते होते पता नहीं टाइम तो लगेगा. तो वही मतलब घर पे जाके इसके बाद बहुत बातें करना है, बहुत कुछ शेयर करना है, बहुत कुछ है. पहुँच गए, वेलकम टू मुंबई. अभी लगेज जो है वो लेना है तो अभी लगेज आया नहीं. बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ जैसा भी हो घर तो है ना. रिश्ते में तो मैं मैत्री का हस्बैंड लगता हूँ, नाम है शांतनु. तो बेटा पर माता देखो तो देखे लो तुम डायलॉग. अच्छा मिठू डायलॉग बोले नया डायलॉग इसका डायलॉग है ना. हाँ वो था अमिताभ बच्चन का सेंसा. तो चलो घर पे जाके बात करते हैं. बहुत गर्मी, भैंसारी टाइप का गर्मी, ह्यूमिडिटी टाइप का. लेकिन मुंबई आके थोड़ा अलग लग रहा है, मतलब ना नया नया लग रहा है मुंबई. घर पहुंच गए, ये देखो मेरा घर. अभी बाद में दिखाऊंगी, आज अभी ताकत नहीं है. मेरा पाके बंद हो रहा है. शांतनु कैसे हो? शांतनु का पेट कम हो गया, मतलब स्लिम हो गया शांतनु. थोड़ा पेट ज्यादा हो गया मेरा थोड़ा. हाँ मेरा अभी मिठाई खाया तो ये तो हो गए ना. मेरा हाथ पैर ना दर्द हो रहा है. छे लगेज ये आप सब की सब है इसमें. मेरा इस बार मेरा लगेज इस बार 10 किलो एक्स्ट्रा हुआ है. मतलब उन्होंने क्या बना के रखा है, कोफ्ता, कोफ्ते के करी बना के रखा है, कोफ्ता के बॉल फ्रिज में रखा है ना. क्योंकि सांतनु मुझे पता है, मुझे पता है कोफ्ते का बॉल है उसमें. बॉल नहीं है, टिक्की है कोफ्ते का. हाँ टिक्की फ्राई करना इजी होता है. मुझे पता था क्योंकि मैं जब भी कहीं से आती हूँ ये रेसिपी मुझे मिलता है. क्योंकि हाँ क्योंकि ये स्पेशल उसी दिन बनता है. ऐसे तो आप लोगों के साथ शेयर तो किया ही है लेकिन वो मैं जहाँ मतलब मैं अगर अकेले आ रही हूँ तो मुझे पता शांतनु तो खा के आए, अब मैं थोड़ा खा लूँ. शांतनु का मिठाई बहुत सारी मिठाई मिला था, बहुत सारे. और आज का वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना. हाँ इसके लिए लाइक करो. अगर मुझे जो जो पहचान रहे वो लाइक करो तो मालूम चलेगा कि कौन कौन पहचान रहा है. लाइक करके मालूम चलेगा हाँ मतलब मुझे पहचान रहा है. नहीं लाइक तो जरूर करना, ये तो ऐसे ही आती है. लाइक बटन नीचे होता है और
मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और टुक करके लाइक बटन जरूर दबाना। और ये मेरा घर है, अगर जो नए फ्रेंड्स है, काफी सारे तो नए फ्रेंड्स जुड़े हैं, तो ये घर आपको धीरे धीरे दिखने मिलेगा मुंबई। ओल्ड वीडियो देखने से भी तो मालूम चलेगा। हाँ वो तो देखो ही, अभी फ्रेश फ्रेश वीडियो भी आप लोगों के लिए, नया नया मुंबई नया लगेगा। हाँ मुंबई घुमाऊंगी फिर से क्योंकि मैं अभी मुंबई में नया नया हूँ। मैं तो स्नैक्स खा के आई थी फ्लाइट में, आपको दिख रहा है ये शांतनु। हर बार मैं जब कोलकाता से आती हूँ, शायद स्वीटी जब छोटी थी तब से ये एक ही रेसिपी बनता है, मुझे पता है बनेगा। वो है खानदानी परंपरा। खानदानी परंपरा कोफ्ता करी बन रहा है, पनीर मलाई कोफ्ता। हाँ जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और ये है खानदानी रीति रिवाज। खानदानी रीति रिवाज, ये देखो कोफ्ता फ्राई हो रहा है। फ्राई कोफ्ता तो फ्राई हो चुका है और यहाँ पे ग्रेवी है अलग से। मत समझ आया ना, मैत्री के लिए कुछ स्पेशल बनता है, लेकिन ये बनता है। अरे मुझे पता है आने के बाद ये खाने में, मतलब अगर आने के बाद कुछ खाने का मन नहीं करता, लेकिन ये एक चीज है जो मैं खा लेती हूँ। क्योंकि मतलब फ्लाइट में मेरा सर दर्द हो रहा था, सुबह से सर दर्द हो रहा था, और शांतनु भी मतलब वो भी नहीं खाया, और मैं आके खाना बनाया तो हो नहीं सकता, और बाहर से भी खाऊ ये भी कभी मैं नहीं करी, क्योंकि भाती ने मेरा इतना हेल्प किया। मतलब फ्रेंड है वो, मेरी बहुत अच्छी वाली फ्रेंड है, बचपन वाली फ्रेंड, तो उसको तो थैंक यू तो बोलूंगी नहीं, क्योंकि ये दोस्ती। हाँ हमारी दोस्ती, हमारे दोस्ती बोलते हैं ना, वो साथी ने कुछ एक वर्ड बुलाया था तो बाद में याद आया था, तो बोलूंगी। हाँ लंगोटिया फ्रेंड होता है ना बचपन का, एकदम छोटी थी हम लोग ऐसे थे, तब से हम लोग फ्रेंड। इतने सालों बाद साथी से मिलके भी बहुत अच्छा लगा, 15 साल बाद मैंने मिला। अब मेरा घर का हालत भी देख लो थोड़ा सा, ये है घर का हालत, क्योंकि साग के सारे सामान मैंने यहाँ पे, और जो वीडियो का जो भी मेरा कार्ड है वो सारे खाली कर रही हूँ। ये भी बैग है, ये भी बैग है, और स्वीटी का रूम पे दिखा दूँ नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होता है ना, मैं आने के बाद मेरा क्या हालत होता है। यहाँ पे चप्पल है, स्वीटी चोटी दूटा रखे थे, थोड़ा रूम टूर भी आपको हो जाएगा। और यहाँ पे ये दो बैग है, ये तो मैं लेके गई थी, ये मेरा जो सामान था उसमें मेरा ट्राईपोर्ड भी है, जो भारी वाला ट्राईपोर्ड, और बाकी कुछ खाने का सामान आया है। हाँ वो तो सारे आपको बाद में दिखेगा। हेलो फ्रेंड्स, और अभी मैं हूँ अपने बालकनी में। बालकनी बहुत दिन मिस किया, लेकिन कुछ पौधे भी उतना ठीक ठाक नहीं है, जैसे यहाँ पे पान का पौधा उतना ठीक ठाक नहीं है। और अभी दोपहर का 2:30 बज रहा है, फ्राइडे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, आज सैटरडे है, क्योंकि कल मैं बहुत थक गई थी, मतलब मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था परसों रात से ही, मतलब परसों मैं फ्लाइट से आई ना, और पता नहीं मेरे यहाँ फ्लाइट से आने से मेरा सर दर्द होता है मैक्सिमम टाइम, बहुत दिन, मतलब मैं डेली व्लॉग मतलब कंटिन्यू वहाँ पे जाके बिना मतलब रेस्ट किए मैंने डाला, इसलिए बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है, इसलिए कल मैंने एकदम भी कोई वीडियो मतलब ना मैंने अपलोड किया, ना एडिट किया, ना शूट किया, इसलिए कल रेस्ट की ज़रूरत था। मुझे लगा बॉडी को भी कभी कभार रेस्ट देना ज़रूरी है, नहीं तो वो भी काम नहीं कर पाएगा, इसलिए एक दिन पूरा यूट्यूब से मैंने रेस्ट लिया। फिर भी थोड़ा थोड़ा काम रह जाता है, वो तो करना ही पड़ता है। पौधे वौधे उतना कुछ अच्छा नहीं है। हाँ ये मेरे एक फ्रेंड ने, आप में से कहता मीटअप में एक फ्रेंड ने सकुलेंट दिया था, ये एक दिया था और एक दिया था, मतलब डब्बे में कितने अच्छी तरह से पैकिंग करके दिया था। तो ये दोनों को मैंने, ये जो छोटा सा कूलर था ना, वो मिष्टी दही का कूलर, उसमें लगाया। शांतनु कैसे हो? बढ़िया 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 बढ़िया, बाकी सब बढ़िया, बाकी सब बढ़िया। पहले खाना बना लो, उसके बाद उससे मिलाती हूँ। एक्चुअली शांतनु आज ऑफिस नहीं गए, क्योंकि वो जो गाड़ी का टायर मतलब गाड़ी का बैटरी, जिस दिन मेरा कोलकाता मीटअप था उस दिन मुझे विश था मैं शांतनु से आप सबसे बात कराऊँ, जो कोलकाता मीटअप में आए थे, लेकिन मैंने कॉल किया था तब उसका गाड़ी बीच रास्ते पे ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकडाउन नहीं, बैटरी उसका चला गया था, इसलिए बैटरी के लिए वेट कर रहा था, इधर उधर भागना बैटरी लाना फिर से, नहीं तो बीच रास्ते से घर आना, ऑफिस से आते हुए सब हुआ था, बहुत कुछ कहानी हुआ था। तो वो अब सिंपल सा मैंने बता दिया, पोटल भाजा कर, वो पोटल फ्राई, परवल फ्राई। Like a cargo, you will carry me. I just hope you.
खाना खा रहे इतना नहीं खाया। अरे वाह, तो तुमको भी पता है, तुमने तो सारा वीडियो देखा है। वीडियो में देखा ना कितना खाना खाया मैंने। रियली मिस कर रही हूँ सारे खाना। मिस करो यहाँ पे आके खुद ही बनाओ खुद ही खाओ। वहाँ पे आके मम्मी का हाथ का, सास का हाथ का, मामी का हाथ का, वो अलग ही टेस्ट होता है। खुद का हाथ का पता नहीं, खुद का हाथ का एक ही जैसा टेस्ट लगता है। मेरा हाथ का खाना है ना। हाँ तुम बनाओगे। और मैंने मम्मी का चल लिया, नहीं टेस्टी होता है, अच्छा तो होना चाहिए। बूढ़ा हाँ। क्या कर रहे हैं देखो, देख के लग रहा है कुछ तो कर रहे हैं। ये देखो क्या कर रहे हैं दोनों की। ये देखो मेरा मिठाई सारे क्या क्या हो गया, सब चिपक गया। संदेश मिक्स करके कैसा एकदम स्टिक हो के कुछ पता नहीं चल रहा ना। संदेश पूरा भर के मैं मिठाई लाई थी, अभी बचा हुआ इतना सा। कल से दो बार पूरा प्लेट भर के खाना, अब बेचारे को खाना नहीं मिला था। और भी है ये सारे, तो ये तो पूरा भर के था, अभी खत्म हो गया। मैं नहीं खाई, मैं थोड़ा सा खाई। इसमें मीटअप वाला मिठाई साथी ने बॉक्स में डाल के, साथी ने मेरा बहुत हेल्प किया। आप सबने दिया था 7-8 डब्बा मिठाई, मतलब रसगुल्ले था मैक्सिमम, ड्राई मिठाई था वो तो मैंने पैकिंग करके लेके आई। एक ग्रीन कलर का रसगुल्ला था वो तो वहाँ पे हमने खा लिया, क्योंकि उतना सारा रसगुल्ला लाना पॉसिबल नहीं होता। हाँ कच्ची करी आम का फ्लेवर का था। एक तो कैफे ये वाला, हाँ ये वाला जो फ्रेंड ने भेजा है थैंक यू सो मच। और जो फ्रेंड ने जो भी भेजा है थैंक यू सो मच। सारे मैं दिखाऊंगी, लेकिन जो मिठाई भेजा है उसके लिए पहले से थैंक यू बोल देती हूँ। मिठाई खत्म हो चुका है, कुछ है ड्राई मिठाई सुनीता को भी दिया, तो मंदा तो नहीं है। मंदा चलो इसका मैं लुत्फ उठाता हूँ। कोई जवाब नहीं है। नहीं सच में कोलकाता का मिठाई मतलब का तो कोई जवाब नहीं। यहाँ पे भी जो मिलता है वो टेस्ट नहीं है, वो टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट टाइम ना रसगुल्ला मुझे मत देना, क्योंकि रसगुल्ला एक तो हैंड बैगेज में अलाउ नहीं होता है, कार्गो में लाना पड़ता है, और बैग के अंदर अगर फट जाए ना तो सोचो मतलब मेरा क्या हालत होगा। इसीलिए मैं खुद भी रसगुल्ला नहीं लाती हूँ, मैं कभी भी रसगुल्ला नहीं लाती हूँ। अगर शांतनु के लाया तो चार ऐसे अलग से लेके आती हूँ। कैसा लग रहा है मिठाई? मेरे ससुराल का रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है, रियली बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं नहीं लाती क्योंकि रसगुल्ला लाना एक बार बहुत प्रॉब्लम होता है रसगुल्ला से। हस्बैंड लोग कितना स्मार्ट है, मतलब आज तो एकदम मतलब कंफर्म हो गई मैं। अभी शांतनु को कुछ एक फॉर्म फिलअप करना है कुछ स्वीटी के बारे में, तो वो कर रहे थे, तो उसे मुझे पूछ रहा है स्वीटी का डेट ऑफ बर्थ, तो मतलब ईयर पूछ रहा कि तुमको याद है कि नहीं। मैं चेक कर रहा था। देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है पहले सुन लो, पहले सुनो। हाँ मैं तुमको चेक कर रहा था कि तुमको याद है कि नहीं। हाँ तो क्या बोल रहे थे मुझे? मैं बोला कि बोलो तो कब है, 2005 में है या कब है, मुझे बोल रहे 2007 में, वो मुझे भी मालूम है। कितना बोल रहे कैमरा देख के, कितना झूठ बोल रहे। बोले अगर 2005 होता तो मैं तो अभी 9th स्टैंडर्ड में होता। 2007 है, बच्चे का डेट ऑफ ईयर याद नहीं है, ये ऐसा होता है पति। डेट ऑफ ईयर मतलब डेट ऑफ बर्थ, वही ले समझ जाए। मेरे सारे फ्रेंड्स तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बोला आप लोग समझ तो गए। तो वही देखो मतलब हस्बैंड लोगों को कितना मतलब कितना के दिमाग में रहते रहते बच्चे का डेट ऑफ ईयर भूल गए। आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो बताना जरूर, मतलब हस्बैंड भूल जाता है या नहीं, स्पेशली बच्चों के बारे में। उसको कभी कभी याद नहीं आता कौन सा स्टैंडर्ड, तो याद रहता है लेकिन कौन सा सेक्शन, कौन सा रोल नंबर कुछ नहीं है। काम तो करना है, वो काम क्या है, जो मैं अचार लाई थी ना ससुमा का जो अचार, वो तो मैंने तेल दे के नहीं लाई थी, तो अभी मैंने उसको मतलब जार में डाला और उसको अभी तेल डालूंगी, मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, क्योंकि बंगाली जो भी अचार होता है वो सारे मस्टर्ड ऑयल पे बनाया जाता है। और इसका अगर रेसिपी चाहिए तो मेरा प्रीवियस जो ब्लॉग है सासू मात का हाथ का अचार, ये जरूर ट्राई करना, बहुत यम्मी। अगर आपके पास ज्यादा धूप है तो आप कच्चा मस्टर्ड ऑयल इस पे डाल के धूप में आप मतलब उसको 10-15 दिन रखोगे तो अच्छी तरह से अचार खुशबू आएगा। और इसमें और मिर्ची पाउडर भी डाला जाएगा, मिर्ची पाउडर मतलब सूखी मिर्च को रोस्ट करके डाला जाएगा, तो वो मैं किसी और दिन डालूंगी। आज सिर्फ मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके डालूंगी, क्योंकि मेरा देखो उतना ज़्यादा धूप नहीं आता, मतलब एकदम कड़कदार धूप नहीं आता, हल्का हल्का धूप आता है, इसलिए जो मस्टर्ड ऑयल का एक कच्चा कच्चा खुशबू आता है ना उसको हटाने के लिए मस्टर्ड ऑयल को गर्म करूंगी और थोड़ी ठंडा करने के बाद इसमें पोर करूंगी।
बनाते हो ये समर के टाइम जरूर बताना। मेरा मम्मी का अचार भी मैंने शेयर किया है, किसी ने अगर मिस कर दिया तो जरूर देखना। वो गुड़ के आम के अचार होता है, अचार सुन के पता नहीं मुंह में क्या होता ना आप लोगों को होता है, देखना ये मेरा अचार देख के थोड़ा तो आप लोगों को मतलब टंग में एक अलग अलग पानी पानी जैसा आता। ये तो होता है, अचार एक ऐसी चीज है और ये खाना भी जरूरी है क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन हिसाब से अचार एज ए डाइजेशन के हिसाब से काम करते हैं। ओल्ड मेथड है ये, अभी मॉडर्न जमाने में भी बोलते हैं अचार नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन घर का अचार जरूर खाना चाहिए, सीजनल जो जो अचार होते हैं उस तरह से। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, लाइक बटन नीचे होता है टुक करके उसको दबाना। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे रेड कलर की बटन होता है उसको जरूर दबाना और टिंग 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 वाला बेल बटन जरूर दबाना। अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मैं चेक कर रहा था। हाँ, झूठ मत बोला, झूठ मत बोला, झूठ मत बोला, चेक कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, झूठ मत बोला, टेस्ट कर रहा था, टेस्ट। देखा, आप झूठ मत बोला। आप लोग समझ गए होंगे वो क्या 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 मतलब उसको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। Got a thing about you, you got a thing about me too.